आप देख रहे हैं न्यूज 14 और मैं हूं सैयद नकी हसन। पेश है टॉप 10 न्यूज। गुजरात पर कुदरती आफत, बेमौसम बारिश के साथ गिरे ओले, 14 की मौत। भारी बारिश का सबसे ज्यादा असर गुजरात के अमरोली, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, बटोड़ा, पंचमहल, खेड़ा, साबरकांठा, सूरत और अहमदाबाद जिलों में पड़ा है। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए सेना ने संभाला मोर्चा, ड्रिलिंग में लग सकता है 4 दिन का वक्त। संयुक्त किसान मोर्चा का 3 दिवसीय प्रदर्शन शुरू, किसान मोहली चंडीगढ़ सीमा के पास हुए एकत्र। हमास ने 17 बंधकों के तीसरे बैच को किया रिहा, 14 इसराइली और 3 विदेशी नागरिक शामिल। अमेरिका में 3 फिलिस्तीनी छात्रों को मारी गई गोली, परिवार ने हेट क्राइम के तहत मामले की जांच की मांग की। घर में रखे पैसे और गहने लेकर प्रेमी के साथ फरार हुई बेटी, भिवंडी के सोनाले गांव में रहने वाले एक उत्तर भारतीय परिवार अपने शादीशुदा बेटी को ससुराल विदा करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन लड़की घर में रखे गहने समेत नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। पुणे नगर रोड पर वड़गांव शोरी फाटा पर ज्वलनशील गैस ले जा रहा एक बड़ा टैंकर पलट गया। इस दुर्घटना के कारण टैंकर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। पुणे नगर रोड कुछ समय के लिए बंद किया गया। मुंबई के साथ थाने, डोंबिवली, कल्याण और थाने जिले के ग्रामीण इलाकों में रविवार को बिजली गिरने के साथ बारिश हुई, जबकि शाहपुर तालुके के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई। बेमौसम बारिश के कारण चावल की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। घूसा मारकर पति की हत्या करने वाली महिला को पुणे पुलिस ने किया गिरफ्तार। वानवाड़ी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है, जिसने दुबई में जन्मदिन नहीं मनाने और शादी की सालगिरह का उपहार नहीं देने पर अपने पति के चेहरे पर घूसा मारकर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने उसे 28 नवंबर तक पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया है। वसई विरान में बेमौसम बारिश से धान के खेतों को नुकसान हुआ है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा वसई समेत पालघर जिले के तटीय इलाकों में दी गई बेमौसम बारिश की चेतावनी सच साबित हुई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।